ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने खुद देखा है, भाई ने आरोही को थप्पड़ मारा है, मारा है, मारा है, और भाई को तो सॉरी भी नहीं फील हो रहा, उल्टा भाभी और भाई मुझ पे चिल्ला रहे। भाई थोड़ी सी शर्म और तमीज रखिए, और अभी के अभी मेरी वाइफ को सॉरी कहिए। क्यों परेशान हो रहे? सबको पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। भूल जाओ, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम जस्ट इग्नोर इट। और मेरे बारे में क्या सोचता है ये भी मैं ही सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नील मेरे बारे में क्या सोचता है फर्क पड़ता है। कैसे नहीं पड़ेगा? भाई है मेरा, मेरा छोटा भाई, बचपन से साथ में रहे, उसके बाद भी मान कैसे सकता है, सब बोल कैसे सकता है, उसे यकीन बचपन से देखता आया है मुझे। जब सर माँ पे हाथ उठाते तो मेरी क्या हालत होती थी जानता है वो। हॉस्पिटल में जब डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस आता था तो मेरा रिएक्शन क्या होता था जानता है वो, जानता है, सब जानता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरोही क्या बोल रही है। कि नील, नील मेरा भाई है, वो तो मुझे जानता है, उसे मुझ पर भरोसा नहीं, मैं इस बात से कैसे डील करूं, उसे समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी चाची आप रेस्ट कर लीजिए, शिवू को मैं देख लेती हूँ। चाची क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? दो भाई जो एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे आज एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे। चाची ऐसा कुछ नहीं है, भाइयों में आपस में खटपट होती रहती है, वरना नील और अभिमन्यु तो उनके बीच में कितना प्यार है आप ये जानती है ना, और आपने इतने अच्छे से पाला है उन्हें, परिवार के रिश्तों के मतलब समझाए हैं, इतनी आसानी से थोड़ा भूल जाएंगे। प्लीज आप इतना मत सोचिए चाची। सोचना पड़ेगा शिवाली, सोचना पड़ेगा। झगड़े हर घर में होते हैं, इस घर में भी हुए हैं, पर दो भाइयों के बीच में ऐसा झगड़ा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। आज सच में डर गई हूं मैं अंदर तक। आज का झगड़ा सिर्फ दो भाइयों के बीच का नहीं था, उनकी पत्नियां भी बीच में शामिल थी। वो पत्नियां जो आपस में एक दूसरे की बहन है और इस घर की जेठानी देवरानी। आज तो भाई नहीं लड़ रहे थे, रिश्ते आपस में लड़ रहे थे। इस घर में पहले भी दो बहनें दो भाइयों की पत्नियां बनकर आई हैं और खटपट भी हुई है, पर इस वजह से कभी किसी ने घर छोड़कर जाने की बात नहीं की। पर आजकल के बच्चे शुरुआत ही वहीं से करते हैं, इसलिए मन ज्यादा घबरा रहा है। चाची प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मंजरी मैं बोलूंगी तो मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि मैं सच बोलती हूं। मंजरी तुम और मैं सगी बहनें हैं, आनंद और हर्ष सगे भाई हैं, इसलिए इतनी बड़ी कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। पर अक्षरा आरोही, अभिमन्यु नील, इनका केस डिफरेंट है। अक्षरा आरोही का एक पास्ट है और वहां प्रॉब्लम्स रही हैं। ये बहनें हैं पर सौतेली। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर सौतेली बहनों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनमें है। और वहां नील, मतलब हर्ष उसका बाप है लेकिन तुम उसकी माँ नहीं हो। अभिमन्यु उसका भाई है लेकिन सगा नहीं है। वो जानता है इस घर ने उसे अपना लिया है लेकिन ये घर उसका नहीं है। मेरे हिसाब से तो हम लोगों को ना ये हैप्पी फैमिली और हम साथ साथ का ड्रामा बंद करके ना इन लोगों को अलग रहने देना चाहिए। अलग रहें, खुश रहें, सुखी रहें, बात बुरी लगेगी पर इट्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन।
बेटे तुम्हारे हैं, अब तुम्हें को डिसाइड करना है कि किसे घर में रखना है और किसे परिवार से दूर। नहीं दीदी, ऐसा प्लीज मत कहिए। आज तक हम सब इस घर में एक साथ रहे हैं और आगे भी एक साथ ही रहे। कोई अलग नहीं होगा इस परिवार से, कोई यहाँ घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उन्हें एक साथ एक घर में रखने की जिम्मेदारी मेरी है। दीदी, श्री राम भी अयोध्या अपने भाई की वजह से छोड़कर नहीं गए थे, अपनी माँ की वजह से गए थे, और मैं वो माँ नहीं बनना चाहती। टाइम फॉर वीकली टाइम आउट भाई। ये है मेरा भाई, ये है नील, ये रिमाइंडर उसने लगाया है ताकि हमें याद रहे एक हफ्ता हो चुका है हमने टाइम स्पेंड नहीं किया साथ में। वो नीचे कौन था? वो नील नहीं हो सकता। वो नील नहीं था भी, सबके पीछे आरोही थी, ये सब उसका किया हुआ है। मैं कैसे डील करूं इससे? मेरा भाई मुझे इतना ही जानता है, वो मुझे मेरी बात नहीं मान रहा है। वो अभी पता नहीं मैंने फोन कहां रख दिया। लैंडलाइन से फोन करती हूं, जहां होगा बच जाएगा। कौन है? क्या करिए मेरे फोन के साथ? नीचे कुछ काम से आई थी। तेरा फोन देखा तो सोचा चेक कर। चेक कैसे? मेरे फोन में पासवर्ड है। बहन हूं तेरी, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, पासवर्ड तो गेस कर ही सकती हूँ। हाउ डेयर यू, मेरा फोन है, इट्स पर्सनल। डेयर की नहीं, चल ट्रूथ की बात करते हैं। सच तो मुझे पता ही था, पर तेरा फोन चेक करने के बाद कंफर्म भी हो गया। पढ़े मैंने वो मैसेजेस जो तूने अपनी दोस्त को भेजे थे घर में पुलिस भेजने के लिए। तूने क्या किया, क्यों किया, ऐसे कैसे कर सकती, ये सारे इमोशंस मैं तुझ पे वेस्ट नहीं करूंगी। मैं चाहती तो ये मैसेजेस पूरी फैमिली को दिखा सकती थी, पर जख्म को भरने में थोड़ा समय देना चाहिए। अगर उसे खुरेते रहे तो खून निकल आता है। अपना वॉलपेपर चेक कर। मैंने सेट किया अभी और नील की पिक्चर, ये याद दिलाने के लिए कि उनका रिश्ता पुराना है, पक्का है, प्यारा है, इसे खराब मत कर। तूने हम बहनों के रिश्ते को तो कभी बनने नहीं दिया, पर इन भाइयों के रिश्ते को मैं तुझे उछाड़ने नहीं दूंगी। और मैं सिर्फ ये कह नहीं रही हूं, आई रियली मीन इट। एक बार, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो अभिमन्यु का राज क्या है, उस फाइल में क्या है, तो तू देख मैं क्या तबाही मचाती हूँ। और मैं भी सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, I mean it। ये रिश्ता क्या कहलाता है?